आपका क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्स एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन्स क्या है आपका, देखो इसमें क्या कहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो इसने ये भी कहा है वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स आपका देखो कार्टेशियन प्लेन में कैसा होता है, लाइक दिस। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ही हैज टोल्ड 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस इज दिस, तो फ्रॉम हियर 30 डिग्री, दैट मीन्स हियर, तो दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। तो वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये देखो आपका कितना हो गया, टोटल एंगल इज दिस इज योर 30 डिग्री, दिस इज योर 90 डिग्री, तो टोटल इज 120 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री That is equal to 120 degree. Now, we know the slope. तो स्लोप हमारा क्या होता है, तो that is your m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, है ना। If they have given the coordinates, we will use this. If they have not given the coordinates, if they have given the angle, that means like 120 degree, we will go for tan theta. तो आपका tan theta आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो आपका ये जो angle है, ये जो point है, ये कहां पर lie कर रहा है, it lies in the second quadrant. तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा टैन क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। तो वी विल इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे टैन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो दिस इज इक्वल टू, नाउ वी कैन से इट्स अ माइनस टैन 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री हमारा कितना होता है, रूट थ्री, तो दैट इज माइनस, तो माइनस रूट थ्री। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है।